हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे भी होंगे। भगवान आप सभी को अच्छे रखे, स्वस्थ रखे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है, मतलब नाश्ता वास्ता हमने कर लिया है, इतना बड़ा टाइम है। और ये देखिए मैं गांव में आया था, इसको ना हम लोग तो बम्बई लड्डू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये मेरे हस्बैंड ने खरीद लाए हैं, एक पुड़िया ना 5 रुपये का है, तो 4 पुड़िया लाए थे। ये ना हवा के संपर्क में आकर ना छोटा एकदम छोटा हो जाता है। और देखिए उसको एक पुड़िया खिलाने के बाद ना मैं बाड़ी तरफ चले गई थी सब्जी तोड़ने के लिए। तो ये पालक भाजी लाई हूँ मैं, और बैंगन लाई हूँ, और थोड़ा सा ये धनिया पत्ती लाई हूँ। और बैंगन को ना पालक की भाजी में मिक्स करके बनाएंगे, मेरी देवरानी बनाएगी, क्योंकि बाबू के कारण ना मैं काम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मेरी सासू माँ आएगी तो बाबू को घुमाएगी, तो मैं ही काम कर पाऊँगी। मेरा जो भी काम रहता है मैं कर देती हूँ, खाना वाना मेरी देवरानी बनाती है। और वैसे भी ना हमारे यहाँ छोटी बहुएँ ही खाना बनाती हैं, बड़ी बहुओं का काम ना बाहर वाला काम रहता है, झाड़ू पोछा लगाना और जो भी बाहर का काम रहता है वो बड़ी बहू करती है, और खाना बनाने का काम जो है छोटी बहू करती है। तो देखिए भाजी में ले आई हूँ, और ये ना मैं नहा के आ गई थी, और जो है ये घर थोड़ा गंदा दिखाई दिया मेरे को, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में, लेकिन गंदा था, धूल था नीचे जो चप्पल में आ जाते हैं ना, तो वो वाला धूल था। और देखिए उसको मैं साफ कर दूँगी। और एक दादाजी आए थे हमारे घर घूमने के लिए, बोलते हैं कि वीडियो में अभी नहीं दिख रहे हैं, उधर ही हैं, तो बोलते हैं कि क्या झाड़ू कर रही है, घर कितना साफ दिखाई दे रहा है और क्या झाड़ू कर रही है, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन उनको भी तो उनका जो नज़र है वो कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से वो देख नहीं पा रहे थे। बोल रहे थे कितना साफ घर को फिर से झाड़ू कर रही है, जिसका काम नहीं होता है वैसे काम करती है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ना जो चप्पल का धूल होता है ना वो पैर में आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, शरीर पूरा ससरा जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो देखिए सब तरफ मैं झाड़ू कर दी हूँ। और ना नल ना नहीं आया था, सुबह पानी बहुत कम था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो नल अभी ना आया है जब मैं नहा ली थी तब। तो देखिए जो बड़ा बाल्टी है उसमें हम लोग पानी रखते हैं बर्तन धोने के लिए, और ये स्टील की बाल्टी में ना पीने का पानी, दोनों पानी में ले आऊँगी, बासी पानी रखा है घर में। तो देखिए लाइट नहीं था तभी जब मैं जब गई ना नल के पास, वो चला गया था। तो देखिए दिखा रही हूँ मैं एक साड़ी, ये ना मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, बताना कैसा दिख रहा है। ये ना मतलब शादी में तो जाएंगे तो उसी के लिए भी है, और पूजा पाठ के लिए मेरे पास नहीं था, ऐसे वाली साड़ी मेरे को चाहिए था, जो कलर है ना रेड और येलो, ये दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैंने मंगा लिया है। तो देखिएगा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए लाइट नहीं था तो मैं पानी लेके नहीं आई थी, तो बाबू के साथ मैं थोड़ा बाबू उड़ गया था ना, तो उसको घुमाने के लिए आई थी। यहाँ पे मेरे देवर जी ना हमारे जो पावर टेलर है हमारा है, तो उसको ना कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे, तो उसको ना काम करने नहीं दे रहा था मेरे देवर जी को, और उनको परेशान कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मैं ले गई थी, और नल भी आ गया था। तो देखिए मैं बाल्टी में पानी ले आई हूँ, इस बाल्टी में ना ज़्यादा पानी लाता है तो मुझे ज़्यादा वजन नहीं उठा पाती हूँ, बड़ा बाल्टी है इसलिए, तो आधे से थोड़ा ऊपर लाई थी मैं। तो घर में एक बाल्टी का पानी इसमें मैं भर दूँगी, और उस बाल्टी को फिर पानी लेके आ जाऊँगी, ऐसे ही करती हूँ मैं, पूरा बाल्टी नहीं लाती हूँ, बहुत हाथ खिंचा जाता है। और बाबू को मैं पकड़ी थी ना इसी वजह से आधा से थोड़ा ऊपर लाई हूँ, फिर भी मेरे को ज़्यादा एकदम वजन लग रहा था। एक बार मतलब लाने से ना मैं 2 बार ले आती हूँ, क्योंकि एक बार लाओगे ना बहुत ताकत लगता है और परेशानी होती है, इसी वजह से मैं 2 बार ले आती हूँ उसी को। और ये देखिए शाम का टाइम है, मैंने ना देखिए आज इतना परेशान किया बाबू की क्या बताऊँ, आपको लगता होगा कि कैमरे में कितना मतलब अच्छा है, सीधा है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे मतलब कमेंट्स में बोला था कि जब मैं बोली थी ना कि मेरा बेटा बहुत शरारती है, चंचल है, बहुत बदमाश है, ऐसे बताई थी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर है तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं आपका बेटा बहुत अच्छा है, अच्छा तो दिखता है कैमरे में, तो वीडियो में तो कितना अच्छा मतलब सीधा सा दिखता है, ऐसे बोले थे। लेकिन ना ये बहुत शरारती है, देखिए इसकी वजह से ना मैं कंघी तक नहीं कर पाई हूँ, सोचिए मतलब इतना ज़्यादा चंचल कि क्या बताऊँ, हर हमेशा भागते रहता है इसके पीछे ना, दौड़ दौड़ के आज मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया है। तो देखिए इसको शाम हो गया है, मैं कंघी नहीं कर पाई हूँ, और हमारे यहाँ ना शाम हो जाने के बाद शाम के बाद कंघी नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं कंघी नहीं की हूँ, तो आज कैसे मैं दिख रही हूँ। और बाबू को ना मैं खिला रही थी घर के अंदर ही, बहुत पसंद करते हैं, बाहर मच्छर होते हैं ना शाम टाइम, इसी वजह से रूम के अंदर ही इसको
खिला रही थी। और देखिए बाबू जब सो गया था ना, तभी मैं रोटी बनाने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे ना रात को रोटी खाना अच्छा लगता है। मेरी देवरानी चावल दाल बनाई है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बोली कि मैं रोटी खाऊंगी और ठंडी रहते तक ना मैं रोटी खाऊंगी रात को। और मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, बोले हैं कि लेट होगा, तो उनके लिए भी मैं रोटी भी बना दूंगी। वो खाना खा के आ रहे हैं, लेकिन दो और रोटी मैं घर में खाऊंगा, बोले अपने ये बनाएंगे तो मेरे लिए भी बना देना बोले हैं। तो मैं देखिए बना दे रही हूँ। और मैं कढ़ाई में, कोई मेरे को पूछ रहा था कढ़ाई में कैसे बनाते हो, लेकिन कढ़ाई में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना तवा एक ही है। जब रोटी बना देते हैं ना उसमें तो वो जल जाता है, और जो सुबह चीला बनाते हैं हम लोग तो चीला मतलब पलटता नहीं है, इसी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि जो हम लोग सामान लाए हैं, मुझे जो शादी में मिला है ना मुझे सामान, उसको मैं निकालूँगी, क्योंकि देखिए लोहा का जो सामान होता है ना वो यूज नहीं करोगे ना तो ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें। तो सोच रही हूँ कि मेरा जो तवा है और बहुत सारा सामान है, तो जो जो यूज मतलब ये तो लगेगा ना, क्योंकि तवा नहीं है तो तवा या जो हम लोग चटू बोलते हैं उसको निकालूंगी मैं, सोच रही हूँ। तो कहाँ पे रखी है मेरी सासू माँ पूछूंगी। और मेरी सासू माँ ना आज आने वाले थे, उनका छुट्टी हो गया था, लेकिन देखिए डॉक्टर ने 2 दिन और जो है रेडियोथेरेपी बढ़ा दिया है। मुझे सुन के ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मैंने सोच रही थी कि जल्दी आ जाएंगे तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा, और बहुत खुश हो रही थी मैं। मुझे इतना ख़राब लगा कि मैं क्या बताऊँ, मुझे सुन के ना बहुत रोना टेप से आ जा रहा था, क्योंकि मैं बहुत आस की थी कि आ जाएंगे, मतलब आज छुट्टी मिल जाएगी उनको, तो रास्ते में एक जगह रुकेंगे और आएंगे, ऐसा हमारा प्लान था। तो जो जिनके घर रुकेंगे ना वो तो लेने भी चले गए थे, उनके कार है तो कार में लेने भी चले गए थे वो लोग। मेरे हस्बैंड के जो मितान हैं वो लेने गए थे, तो आज छुट्टी नहीं मिला ना। जो डॉक्टर से बड़े डॉक्टर से बात की वो तो छुट्टी नहीं मिला ना, तो वो वहीं पर रायपुर में रुक गए हैं। कल लेके आएंगे उनके घर, कल उनके घर आएंगे, फिर परसों हमारे घर आएंगे। तो उनको छुट्टी नहीं मिला ना, तो क्या बताऊँ मुझे कैसे लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और मैं ना बहुत खुश हो गई थी, और पूरे मतलब जो मुझे पूछता था कि कब आएंगे, जैसे सास ससुर से बोलते थे ना, तो मैं उनको ना खुशी खुशी बोलती थी कि आएंगे कल आएंगे, ऐसे बोलते थे। लेकिन क्या बताऊँ मैं ना, मैं ससुर जी जब मुझे पता चला ना, मैं नहाने गई थी और जब आई ना तो मेरे देवरानी बोले कैसे से बात है, फ़ोन किए थे आपके फ़ोन में किए थे तो बात हुई मुझसे, ऐसे बोले ना। तो फिर मैं उनको फ़ोन की और पूछी क्या क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे ऐसी बात है, छुट्टी तो हो गया था लेकिन रिपोर्ट को देखने के बाद ना जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने ना 2 दिन फिर बढ़ा दिया है बोले। तो मैं बोले कितना दिन रुक लिए हो, और फिर 2 दिन के बाद रुक जाइए, तो हाँ बोले हैं मतलब कराना ज़रूरी है बोले डॉक्टर ना, ऐसी वजह से वो लोग करवा के ही आएंगे। और देखिए कितना खुश हो रही थी। कभी कभी ना मतलब जो सोचते हो ना वो नहीं होता है। इस साल ना मतलब मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं, मेरे साथ ना हमेशा गलत ही हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी मतलब समय ख़राब चल रहा होता है, कुछ सोचते कुछ और होता कुछ और है। तो इसी वजह से ना मन को मैं समझा लेती हूँ कि चलो कोई ये भी एक दौर है, चला जाएगा। और देखिए मेरा जो रोटी है मैं बना दे रही हूँ, और आज ना सब में मैं तेल लगा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना लेट आएंगे तो सूखी वाली मतलब रोटी को थोड़ा सूख जाता है ना, तो तेल लगा हुआ रहता है तो अच्छा मुलायम रहता है। इसी वजह से ना सब में आज मैं तेल लगा दे रही हूँ, और जो मेरा तेल मैं जिसमें लगा रही हूँ ना वो मतलब जो वो ना तो हम लोग कपड़ा का बनाते हैं, और वो ना आज पूरा ख़राब हो गया है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं कल उसको ना नया बनाऊँगी। और वो ना उसको बनाते हैं कपड़े, सूती कपड़े से। तो देखिए मैं रोटी को बना दे रही हूँ, और ये मेरा लास्ट वाला रोटी था जब मैं अभी जो वीडियो में बता रही हूँ ना आप लोगों को, बना रोटी जो है लास्ट वाला रोटी को मैं बेल रही हूँ, और पूरा जो रोटी है मैं बना ली हूँ, आखिरी रोटी बन रहा है मेरा। देखिए मैंने बेल लिया है, और जहाँ रखते हैं सामान रख दिया है मैंने। मेरा काम होने के बाद सब सामान को ना अपने अपने जगह पर रख देती हूँ ताकि सब सेट हो जाए। तो देखिए मेरा लास्ट वाला रोटी है, और यहाँ पे मैंने चाय बैठा दिया था क्योंकि मैं चाय के साथ खाऊंगी, मैं सब्जी के साथ नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने नहीं बनाया है, तो मैं रोटी को अपने रूम पे ले जा रही हूँ खाने के लिए, मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। तो चलिए मेरे है वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और काफ़ी रात हो चुकी थी, 9:30 बज गए थे।
तो आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।